अगर आपने अभी तक सोच लिया है कि आप अपनी वेकेशन पर कौन सा हैंडीकैप खरीदने वाले हैं, तो हम आपको एक हॉलिडे डेस्टिनेशन भी बता देते हैं जहां पर आप इस हैंडीकैप को इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए देखते हैं मॉरिशस के कुछ अट्रैक्टिव हॉलिडे पैकेजेस। इंडियन ओशन में स्थित एक छोटा सा अकेला आइलैंड मॉरिशस, लेकिन कुछ तो बात है इस सीनिक टूरिस्ट स्पॉट में कि लोग यहाँ अकेले नहीं आते। ये है दुनिया भर के टूरिस्ट का मनपसंद हनीमून डेस्टिनेशन, यानी अगर आप अपने पार्टनर के साथ छुट्टी बिताना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ घूमने का असली मजा लेना चाहते हैं तो एक लंबी सी लीव एप्लीकेशन देकर ही निकलिएगा। लंबे डेस्टिनेशन के लिए मॉरिशस लोग जाते हैं, और मॉरिशस का जो हमारा मिनिमम पैकेज है, क्योंकि वो एक हनीमूनर्स पैराडाइज है ज़्यादातर, और कपल जाते हैं, तो हमारा जो 6 नाइट्स का पैकेज है मिनिमम। घूमने को दूर दूर तक फैले वाइट सैंड बीचेस, जहां तक नजर जाए वहां तक लहराता समंदर। इस आइलैंड पर आप वाइल्ड लाइफ के नज़ारे भी ले सकते हैं। 6 रात और 7 दिन के पैकेज के लिए आपका कम से कम खर्चा आएगा ₹10,000 प्रति व्यक्ति, लेकिन अगर आप किसी 5-स्टार ट्रीटमेंट का मजा लेना चाहते हैं तो ये कीमत 40,000 तक भी जा सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। मॉरिशस में जो है वो सिर्फ बीच हॉलिडे है, वहाँ पर आदमी रिलैक्स होने जाता है, तो ये नॉर्मली करते हैं कि एक बार 3 नाइट्स एक बीच पे रह लिए, फिर 3 नाइट्स दूसरी बीच पे चले गए, फिर ऐसा है कि 3 नाइट्स सिटी सेंटर में रह लिए, तो इस टाइप के भी परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस हैं। भारतीयों में मॉरिशस के पॉपुलर होने के कई कारण हैं। एक तो प्रॉक्सिमिटी, दूसरे टूरिस्ट पैकेजेस के दाम, और सबसे खास बात यह कि यहाँ आपको भारतीय मूल के कई लोग मिल जाएंगे, यानी हिंदी बोलने समझने वालों की यहाँ कमी नहीं। बस एक ही दिक्कत है, मॉरिशस जाने के लिए फ्लाइट्स काफी लिमिटेड हैं, एयर इंडिया और एयर मॉरिशस, तो एडवांस बुकिंग करवाना काफी जरूरी हो जाता है। एक राउंड ट्रिप के लिए आपका प्रति व्यक्ति खर्च आएगा करीब ₹25,000। यहाँ वीजा ऑन अराइवल है, इसलिए भी मॉरिशस टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्या ख्याल है आपका?